आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे आरती आंटी को। आरती आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। संगत जी, हमें गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 1998 में, अगस्त में। पापा के एक फ्रेंड गुरुजी के पास ले जाने के लिए पापा को बहुत इंसिस्ट कर रहे थे। वो बार बार कहते थे कि आप गुरुजी के पास चलो, आप गुरुजी के पास चलो, लेकिन पापा उनको कॉन्टिन्यूअसली मना कर रहे थे, क्योंकि पापा निरंकारी थे और पापा को ये था कि मुझे गुरुज वगैरह में बिलीफ नहीं है। मंदिरों में भी नहीं जाते थे पापा, माथा नहीं टेकते थे मंदिर में। तो वो लेकिन फिर भी परसिस्टेंट रहे और एक दिन फाइनली उन्होंने पापा को कन्विंस कर लिया कि आप एक बार गुरुजी की चरण चरण में चलो मेरे साथ। पापा का कॉल आता है, फैक्ट्री में थे पापा, पापा की कॉल आई हमारे घर पे कि मैं आज गुरुजी के पास जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ, तो कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगा। इट वॉज 6 o'clock इन द इवनिंग। पापा चले गए अपने फ्रेंड के साथ गुरुजी के पास। हम लोग घर पे वेट करते रहे पापा की। 10 o'clock हो गए, 11 o'clock हो गए, तो वॉट वी वर एक्सपेक्टिंग कि 10:30-11 बजे तक मैक्सिमम आ जाएंगे, लेकिन 11 बज गए, 12 बज गए, रात का 1 बज गया, पापा फिर भी वापस नहीं आए। एंड वी बिकेम रियली यू नो वरिड कि कैसे अब पापा को कॉन्टेक्ट करें। कोई मोबाइल्स नहीं होते थे उन दिनों, सिर्फ लैंडलाइंस होते थे, तो वो भी कोई ऑप्शन नहीं था कि कॉल करके किसी को पूछा जा सके कि कहाँ है। फाइनली 1:30 बजे पापा ने डोरबेल रिंग की, तो हमने दरवाजा खोला एंड टू आर रिलीफ पापा वॉज स्टैंडिंग देयर वेरी हैप्पी। तो हमने, मम्मा ने पापा को देखते ही पूछना शुरू कर दिया कि कहाँ थे, इतनी देर कैसे हो गई, ये वो। पापा ने कहा बता के तो गया था कि गुरुजी के जा रहा हूँ। मम्मा कहते हैं तो इतना टाइम कैसे लग गया, ये कोई टाइम है वापस आने का? पापा ने कहा कि वहां जाना अपने हाथ में होता है, लेकिन वापस गुरुजी की परमिशन से ही आ सकते हैं। वो अलग बात है संगत जी कि हमने बाद में रियलाइज किया कि वहां जाना भी अपनी इच्छा से नहीं हो सकता। जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता तब तक कोई गुरुजी के दर पे पहुंच नहीं सकता। एनीवे, पापा ने हमें कहा कि गुरुजी जब परमिशन देते हैं तभी वापस आना होता है। मम्मी बहुत हैरान हुए कि ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो इतनी रात को लेट लेट तक संगत को बिठा के रखते हैं और 1:30 बजे तक घर पहुंचती है संगत वापस। मम्मा ने काफी कुछ पूछा पापा से, क्या होता है वहां पे, कैसे चलता है। पापा ने कहा कि वहां पे शब्द कीर्तन लगता है, गुरुजी आसन पर विराजमान होते हैं, गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते और किसी से बात भी नहीं करते, गुरुजी तो बोलते ही बहुत कम है, शब्द कीर्तन ही एंजॉय करती है संगत। और उसके बाद बीच में चाय प्रसाद आ जाता है, गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद बांटते हैं, लंगर प्रसाद होता है और उसके बाद गुरुजी आज्ञा दे देते हैं घर जाने के लिए। तो मम्मा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा माहौल मिल गया आपको वहां पे, आप आराम से सो रहे होगे, वैसे भी आपको तो आदत है 9 o'clock रोज का आपका सोना हो जाता है, रात को 9 बजे तक आप बिस्तर में चले जाते हो, तो आपको अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल गया कि वहां शब्द कीर्तन चल रहा था, बड़ी मीठी मीठी नींद आई होगी वहां पे, और जब आंख खुली आपने सोचा कि चलो बहुत टाइम हो गया आप घर चलते हैं। पापा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता वहां पे, तो किसी को आंखें बंद करने का भी, पलक झपकने का भी मन नहीं करता, गुरुजी का इतना नूर है, ऐसे लगता है कि गुरुजी की तरफ एकटक देखते ही चले जाए और पलक भी ना झपकने में टाइम वेस्ट करे। मम्मा ने कहा अच्छा ऐसा भी होता है कभी। और पापा अंदर आए घर के, पापा ने जाते ही सबसे पहले अपना लैंडलाइन फोन उठाया और पापा ने कॉल करनी शुरू कर दी किसी को। मम्मा ने कहा आप कर क्या आ रहे हो, आप तो अभी अभी महापुरुषों से मिलके आए हो, ठीक है आप बहुत लेट आए हो रात के इस टाइम पे, जाग रहे हो, लेकिन बाकी सब तो नहीं जाग रहे होते ना, तो आप किसको कॉल कर रहे हो इस टाइम पे? पापा ने कहा कि तुम चुप करो थोड़ी देर, मुझे बात करने दो। मम्मा चुप हो गए। पापा ने कॉल किया अपने एक फ्रेंड को हु वाज पोस्टेड इन चंडीगढ़ दैट टाइम, ही वाज एट अ वेरी हाई रैंक इन इंडियन पुलिस सर्विस। वहां पे वो जनरली फोन नहीं उठाते थे रात को, बट दैट डे दैट वेरी नाइट ही पिक्ड अप द फोन एट द वेरी, आई एम सॉरी इंग्लिश यूज नहीं करूंगी, ट्राई करूंगी कि इंग्लिश ना यूज करूं। तो उस रात उन्होंने पहली ही रिंग में फोन उठा लिया और उन्होंने पापा से पूछा कि क्या हुआ, इस टाइम पे फोन कर रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक है? पापा ने कहा हाँ यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपकी अब खैर नहीं, आपने मुझे गुरुजी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने रिप्लाई किया कि माई गॉड, आपको गुरुजी मिल गए, आप गुरुजी से मिल के आ रहे हो, गुरुजी कहाँ से मिल गए आपको, हम तो गुरुजी को कब से ढूंढ रहे थे,
गुरुजी जब से चंडीगढ़ से गए थे हमें पता ही नहीं चला कि गुरुजी कहाँ चले गए, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। आपने तो मुझे बहुत अच्छी न्यूज दी है कि गुरुजी दिल्ली में है, मैं तो कल ही सुबह सुबह फर्स्ट ट्रेन लेके दिल्ली आ रहा हूँ और गुरुजी के दर्शनों के लिए हम इकट्ठे चलेंगे। पापा ने फोन रख दिया तो मम्मा ने पूछा कि अब मुझे बताओ कि क्या हुआ। पापा कहते गुरुजी तो बहुत ही अमेजिंग है, गुरुजी की पावर्स तो ऐसे लगता है कि अनलिमिटेड है, वो सबको जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। हमने कहा आपको ऐसा क्यों लगा? पापा ने कहा कि गुरुजी ने आज मुझसे थोड़ी थोड़ी बात की, पहली बात जो गुरुजी ने मुझसे पूछी कि चंडीगढ़ कदों जा रहे हैं, तो मम्मा ने कहा कि आपने तो चंडीगढ़ जाना ही नहीं। पापा कहते नहीं प्लानिंग तो मैं कर ही रहा था अभी, क्योंकि कुछ फाइनलाइज नहीं किया था इसलिए मैंने तुमसे डिस्कस नहीं किया। मम्मा ने कहा अच्छा जो बात मुझे नहीं पता वो भी गुरुजी को पता थी। पापा कहते यही तो मैं हैरान हुआ कि जो चीज मेरी फैमिली को भी नहीं पता कि मैं चंडीगढ़ जाने का कोई प्लान बना रहा हूँ, वो चीज गुरुजी ने मुझसे ऐसे पूछी जैसे गुरुजी को सब कुछ पता होता है। फिर सेकंड गुरुजी ने मुझे कहा कि गुप्ता कह के एड्रेस किया, और तब मैं और मेरा ब्रदर एकदम से बोले कि पापा देखा फिर गुरुजी ने आपका सरनेम तो गलत लिया, आपका सरनेम तो गुप्ता है ही नहीं। पापा कहते नहीं तुम्हें नहीं पता, कॉलेज के दिनों में मैं गुप्ता सरनेम ही लिखता था। हमने कहा हाँ गुरुजी आपको बहुत अच्छे लगे और गुरुजी के बारे में आप सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना चाह रहे हो इसलिए आप हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। पापा कहते नहीं मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। और उस रात संगत जी पापा ने एक्चुअली अलमीरा ओपन करके अपने कॉलेज डेज का एक ब्लड डोनेशन कार्ड निकाल के हमें दिखाया जिसपे पापा का सरनेम गुप्ता लिखा हुआ था। हम लोग बहुत हैरान हुए कि गुरुजी को कैसे पता जो चीज हमें पापा के बच्चे होकर नहीं पता, वो चीज गुरुजी ने कैसे जान ली। तो हमें भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई लेकिन हमें पता था कि ये वन ऑफ चीज थी जो आज की रात हुआ, बस पापा अपने फ्रेंड को अप्लाइज करने के लिए गए थे गुरुजी के पास क्योंकि पापा का फ्रेंड बहुत देर से कह रहे थे पापा को साथ चलने के लिए, आज के बाद तो पापा ने कभी जाना है नहीं तो सोचा आराम से जाके। हम लोग अपना अपना बेड में जाके सो गए और हमें लग रहा था कि चलो बात हुई और खत्म हो गई। बट नेक्स्ट डे पापा का 6 o'clock फिर फोन आता है कि मैं फिर से गुरुजी के पास जा रहा हूँ, और मम्मा ने कहा कि आप अभी रात 1:30 बजे तो आई हो, आप दोबारा 6 बजे जाने को तैयार बैठे हो, आपने अपना बिजनेस वगैरह देखना है या यही सब करना है? इससे पहले कि मम्मा कुछ और बात करते पापा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और रात को लेट आऊंगा, ये कह के पापा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और पापा चले गए। अब मम्मा को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसे कौन से गुरुजी हैं जिनको पापा जिनसे पापा को इतनी अटैचमेंट हो गई पहले ही दिन। तो एनीवे पापा फिर से उस रात 1:30-1:45 बजे के करीब घर वापस आए, और आते ही मम्मा ने यही कहा कि कल को हम भी सब चलेंगे, हम भी देखना चाहते हैं कि गुरुजी कैसे हैं जिन्होंने आपको इतना अटैच कर लिया अपने आप से पहले ही दिन। आप मुझे ये तो बता दो कि वहां पे ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको गुरुजी से इतनी अटैचमेंट होगी। पापा कहते ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन क्योंकि वो चीज वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, तुम खुद चलना और तुम खुद देखना कि वहां पे ऐसा क्या स्पेशल है जो तुम इतने अटैच हो जाते हो, जो तुम्हारा वहां से उठने का मन नहीं करता। मम्मा ने कहा ठीक है फिर कल हमें लेके जाना। ये बात हुई जी। फिर पापा का जो 3rd day था वो हम लोगों के लिए 1st day था, मेरा, मेरे ब्रदर का और मेरी मदर का। हम लोग जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंचे और सुधा आंटी के घर की तरफ टर्न करने लगे तो वहां बहुत तेज फ्रेग्रेंस आ रही थी, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी। मम्मा कहते हैं इतनी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है? पापा ने कहा कि ये गुरुजी की प्रेमिसेस से ही आ रही है। तब तक पापा को भी नहीं पता था कि ये गुरुजी की अपनी फ्रेग्रेंस है, गुरुजी की बॉडी में से फ्रेग्रेंस आती है, कुछ नहीं पता था। मम्मा ने कहा बड़े हाई फाई गुरुजी है, इतना परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, जो क्षमा करें गुरुजी। तो बट पापा ने कहा कि ठीक है अब हम पहुंच ही गए ना, तुम जाके खुद ही देख लेना कि गुरुजी कैसे हैं। तो संगत जी जैसे ही हम एंटर हुए उसके बाद से मैं अपनी फीलिंग्स ही डिस्क्राइब करूंगी कि जैसे ही मैंने गुरुजी को फर्स्ट टाइम दर्शन किए मुझे लगा कि मैं गुरुजी से पहली बार नहीं मिल रही, मुझे लगा कि गुरुजी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ लेकिन एक बहुत लंबे टाइम से मैं गुरुजी से मिली नहीं, गुरुजी से सेपरेटेड रही बीच में बहुत लंबे टाइम के लिए, और आज जाके मुझे गुरुजी दोबारा मिले हैं। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, 16-17 ईयर्स की एज में शायद ही किसी बच्चे को पता हो कि एक सेपरेशन का दर्द क्या होता है, लेकिन उस रात मैंने वो सेपरेशन वाला दर्द, वो विरह की वेदना एक्चुअली अपने दिल में महसूस की। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तू बहुत तड़पी है मेरे बिना जब तक तू मुझसे दूर रही है, और आज उस दिन मैं बहुत खुश थी कि फाइनली आप मुझे वापस मिल गए। उस दिन भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मेरे दिल में गुरुजी से दूर रहने वाला दर्द ज्यादा था या गुरुजी से दोबारा मिलने की खुशी ज्यादा थी, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी देर के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी मुझे वापस मिल गए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई है ही नहीं दुनिया में।
लेकिन वो जो सॉरी वो जो ट्रांस लाइक फीलिंग थी वो सिर्फ दो एक या दो मिनट के लिए रही और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया अचानक से मेरे साथ। मुझे लगा कि गुरुजी को तो मैं जानती नहीं, पता नहीं मुझे चरण छूने हैं या नहीं छूने, गुरुजी के माथा टेकना है या नहीं टेकना, क्योंकि हमारी पंजाबी फैमिलीज में जनरली अनमैरिड गर्ल्स माथा नहीं टेकती जल्दी जल्दी किसी को। तो मुझे भी लगा कि पता नहीं मुझे माथा टेकना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं जस्ट गई और वहां गुरुजी के आसन के पास बैठ गई शायद बिना माथा टेके। संगत जी ऐसी संगत चलती रही, पंजाबी में शब्द लगे हुए थे जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, मुझे पंजाबी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, गुरुजी जो भी बात कर रहे थे पंजाबी में कर रहे थे, सेवादार भी आपस में ज्यादातर पंजाबी में बात कर रहे थे, तो समझ कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन अनडाउटेडली बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए। जिस दुनिया में हम रहते हैं जैसे वो वाली दुनिया ये है ही नहीं, हम बिल्कुल किसी और सेपरेट दुनिया में पहुंच गए। और इस दुनिया से अब बाहर जाके वापिस अपनी दुनिया में जाने का मन नहीं करता, इतना अच्छा लग रहा था वहां पे बैठ के। संगत चलती रही, गुरुजी ने चाय प्रसाद पिलवाया, गुरुजी ने अपने हाथों से प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग टेस्ट था हर चीज का, जैसा टेस्ट हमने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था लाइफ में। शायद मैंने भी पहली बार अपनी लाइफ में चाय पी थी, मैं चाय नहीं पीती थी। बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हम घर जाते हैं और नेक्स्ट डे जब हम सो के उठते हैं तो हमारे घर में गुरुजी की चारों तरफ इतनी फ्रेग्रेंस फैली हुई थी, इतनी फ्रेग्रेंस फैली हुई थी, ऐसे लग रहा था कि हम एम्पायर स्टेट में ही बैठे हैं, हम अपने घर पे है ही नहीं। और हम सब हैरान हो रहे थे बहुत ज्यादा कि गुरुजी की इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस, वही फ्रेग्रेंस जो एम्पायर स्टेट में कल रात आ रही थी, वो पूरी हमारे घर में कैसे आ रही है। हमें भी तब तक ये नहीं पता था कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। धीरे धीरे हमें संगत से बात करके पता चला, संगत जी उन दिनों कोई लिटरेचर नहीं होता था गुरुजी पे, गुरुजी की संगत बहुत लिमिटेड होती थी, मीडिया पे तो गुरुजी बिल्कुल ही नहीं आते थे, कोई गुरुजी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला था ही नहीं, गुरुजी खुद बात बहुत कम करते थे, कभी प्रवचन नहीं देते थे। तो गुरुजी के बारे में जो भी पता चला बहुत धीरे धीरे, बहुत ग्रेजुअली पता चला। संगत को आपस में बात करना अलाउड नहीं था, कभी ये होता था कि प्रसाद लेके बाहर खड़े हैं तो किसी ने कुछ बता दिया या हमने किसी से कुछ पूछा स्पेसिफिकली तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, अदरवाइज देयर वॉज नो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट गुरुजी। तो ऐसे ही चलता रहा संगत जी, हमें गुरुजी के पास आना बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मम्मा ने पापा जब हम लोग बाहर आए फर्स्ट डे गुरुजी की सत्संग अटेंड करके, गुरुजी से आज्ञा लेके, तो मम्मा ने आते ही कहा कि कल फिर आएंगे। पापा कहते अब तुझे क्या हुआ, तू तो मुझे कह रही थी कि वहां ऐसा क्या हो जाता है, वहां जाके ऐसा क्या मिलता है कि आप गुरुजी से इतने अटैच्ड हो गए, अब तू बता तुझे क्या मिला। मम्मा ने कहा मुझे नहीं पता, बाकी वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन गुरुजी जैसा कोई हो नहीं सकता दुनिया में, इतना मुझे पता है, तो हम रोज आया करेंगे। और संगत जी गुरुजी की कृपा से हमने रोज आना शुरू कर दिया गुरुजी के पास, एम्पायर स्टेट रोज आते गए और इतनी अटैचमेंट बढ़ती गई गुरुजी से डे बाय डे कि ऐसे लगा कि गुरुजी से जितना भी टाइम दूर रहते हैं वो टाइम गुजारना ही मुश्किल हो जाता था हमारे लिए। तो हमने क्या किया, अपना टाइम और जल्दी करना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि हम 5:30 बजे गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंच गए। हम लोग बाहर बैठे हुए थे पूरी फैमिली, गुरुजी अंदर से आते हैं एम्पायर स्टेट में से, अंदर हॉल से निकलते हैं। गुरुजी वॉज इन शर्ट एंड ट्राउजर्स वियरिंग स्पोर्ट शूज। गुरुजी ने आते ही पूछा कि तुसी किवें आ गए। पापा ने कहा कि गुरुजी वो ऐसी थोड़ा जल्दी आ गए बस आज। गुरुजी कहते थोड़ा जल्दी, ये कोई टाइम है संगत ना, संगत शुरू होती है 8 बजे आया करो, ये कह के गुरुजी चले गए। अब हमने सोचा कि चलो ठीक है, गुरुजी ने एक पासिंग रिमार्क दे दिया कि चलो 8 बजे आया करो, देख लेंगे कल से थोड़ा लेट आ जाया करेंगे। अब गुरुजी के उस पासिंग रिमार्क की इम्प्लीकेशन ये हुई कि हम लोग रोज जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जिस टाइम मर्जी निकलें घर से, हम एम्पायर स्टेट 8 बजे ही पहुंचते थे। इनएविटेबली हम 8 बजे ही एम्पायर स्टेट पहुंचते थे। एक बार हमने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए, अब थोड़ा आज जल्दी चलते हैं। 5:30 बजे हम नोएडा से निकले, हम लोग नोएडा में रहते थे और गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे। नोएडा से हम 5:30 बजे निकलते हैं, पूरा रास्ता हमें जाम मिलते हैं, सारी लाइट्स रेड मिलती हैं हमें, और बड़ी मुश्किल से हम 8 बजे एग्जैक्ट 8 बजे एम्पायर स्टेट पहुंचते हैं।
और ऑन द अदर ओकेजन ऐसा हुआ कि हम लोग लेट हो गए, हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे, दे लेफ्ट एट अराउंड 7:15, 7:30 हम लोग नोएडा घर से चलते हैं, और उस दिन सारी सड़कें हमें खाली मिली, सारी लाइट्स हमें ग्रीन मिली, ऐसे लग रहा था जैसे किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिए रोड्स खाली करवाई गई हैं, और हम एग्जैक्ट 8 बजे उस दिन भी गुरुजी के पास पहुंचे। तो गुरुजी के सिंपल वर्ड्स की इतनी मेजर मेजर इम्प्लीकेशन होती है कि वो सिंपल वर्ड्स नहीं होते, वो पत्थर पे लकीर होते हैं। गुरुजी ने कह दिया जो वैसा ही होकर रहता है। फिर गुरुजी ने हमारे 3 दिन फिक्स कर दिए, मम्मी पापा को बोला कि आप लोग 3 दिन आया करो। पापा को बहुत झटका लगा एकदम से, पापा ने पूछा कि गुरुजी कुछ गलती हो गई मुझसे। गुरुजी ने कहा नहीं गलती कोई नहीं हुई, बस गुरुआ की गल मननी भी हुंदी है, मैं कहता कि 3 दिन आया करो तो 3 दिन आया करो, और तुम्हारे ये 3 दिन है, मंडे वेंसडे फ्राइडे गुरुजी ने फिक्स कर दिए। हमने कहा ठीक है गुरुजी। फिर एक दिन गुरुजी ने मम्मा को अपने रूम में बुला के कहा कि बच्चों को कहो कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया करें, बच्चों का ध्यान इधर से थोड़ा कम करो। मम्मा ने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने कहा बच्चों को हफ्ते में एक ही दिन लाया करो और तुम 3 दिन आ सकते हो। मम्मा ने कहा ठीक है गुरुजी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, जब गुरुजी ने हमारा 1 दिन फिक्स कर दिया भाई बहन का हफ्ते में, उसका मतलब ये नहीं था कि गुरुजी ने हमसे कनेक्शन कम कर दिया। इनफैक्ट मैं अगर सोचूं, इफ आई लुक बैक टुडे, तो वो टाइम ऐसा था कि वो मोस्ट कनेक्टिंग टाइम था मेरा और गुरुजी का पर्सनली, क्योंकि गुरुजी की फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा आती थी उन दिनों, जब भी मम्मी पापा संगत में जाते थे हमें घर में पूरी फ्रेग्रेंस आती थी, गुरुजी की स्कूल में फ्रेग्रेंस आती थी, हर जगह गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी, इतनी कनेक्टिविटी बढ़ी गुरुजी से इनफैक्ट उन दिनों, क्योंकि हम पूरा हफ्ता दोनों बहन भाई उस एक दिन की वेट करते थे कि आज हमारा दिन है, आज फाइनली हम गुरुजी के पास जाएंगे पूरे 1 वीक के बाद। तो वो जो टाइम था वो कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला टाइम था। तो एक बार ऐसा ही हुआ, मेरी स्कूल में स्पीच थी, वो स्पीच कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट थी क्योंकि उस दिन जो चीफ गेस्ट थे वो अपेरेंटली एक मैनेजमेंट के मेंबर थे, जिन्होंने कुछ फंडिंग वगैरह का डिसाइड करना था हमारे स्कूल की फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो मेरे ही स्पीच के इमीडिएटली बाद उनकी स्पीच थी, और मुझे प्रिंसिपल ने टीचर्स ने बार 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 कहा था कि आज स्पीच में कोई फंबल नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्पीच में, दिस स्पीच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो मैंने कहा ठीक है, और थोड़ा मैं भी टेंशन फील कर रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ी स्पीच डिलीवर करने के लिए, मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस ने चारों तरफ से सराउंड कर लिया, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, और मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी मेरे साथ हैं। उसके बाद संगत जी मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। द नेक्स्ट मोमेंट जब मुझे होश आया, मैं स्टेज से नीचे जा रही थी अपनी स्पीच खत्म करके, और जैसे ही मैं नीचे पहुंची बहुत अप्रिशिएट किया सब टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि तेरी आवाज तो नहीं थी, किसकी आवाज थी आज, किसने स्पीच बोली है। मैंने कहा यार तुमने जो देखा वही हुआ ना, खड़ी तो मैं ही थी। अब मैं उनको कैसे बताती कि गुरुजी की आवाज थी, क्योंकि गुरुजी आए थे मुझे ब्लेस करने, गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया उस छोटी सी स्पीच में भी। उन दिनों गुरुजी के बारे में बताना मना था, गुरुजी बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह के रखते थे कि जिसको मैंने बुलाना हुआ उसी को बुलाऊंगा इस दरबार में, तुम अपनी मर्जी से किसी को नहीं लेके आ सकते। तो मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकती थी अपनी फ्रेंड्स के सामने, तो मैंने इसलिए बात ऐसी गोलमोल कर दी। और संगत जी अमेजिंग चीज तो तब हुई जब जो चीफ गेस्ट आए, उनकी सारी स्पीच मेरे स्पीच के अराउंड ही घूम रही थी, और जो पंच लाइंस थी जहां उन्होंने अपनी स्पीच फिनिश की, वो सेम पंच लाइंस रिपीट की जो मैंने अपनी स्पीच में पंच लाइंस की। तो गुरुजी इतना हमारा साथ देते हैं, इतनी हमारी सपोर्ट करते हैं, छोटी से छोटी चीज में, बड़ी से बड़ी चीज में वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। गुरुजी ने जो पहली बार मुझसे बात की वो ऐसे हुआ कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, मैं भी प्रसाद लेने की लाइन में लगी हुई थी, और मैं तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी गुरुजी मुझसे भी बात करेंगे, क्योंकि गुरुजी वैसे इतना कम बोलते थे, कभी कभार किसी किसी से कोई कोई बात कर लेते थे तो वो इंसान इतना खुश होकर बाहर आता था कि अरे वाह आज गुरुजी ने मुझसे बात कर ली। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि गुरुजी मुझे भी कभी टाइम दे सकते हैं, मुझसे भी कभी बात कर सकते हैं वन ऑन वन। बट जैसे ही मैं प्रसाद लेने पहुंची, गुरुजी ने मुझसे पूछा केड़ी क्लास च है, मैंने कहा गुरुजी 11th में। गुरुजी ने कहा की ले रखे है, मैंने कहा गुरुजी कॉमर्स। गुरुजी ने कहा क्रेडिट कंट्रोल की हुंदा है। अब मुझे
समझ ही नहीं आई पहले तो कि गुरुजी ने क्या पूछा। मैंने दोबारा पूछा, हैं जी गुरुजी ने कहा क्रेडिट कंट्रोल की होंगे, मुझे फिर भी समझ नहीं आई। दुपिंदर आंटी गुरुजी के चरण दबा रहे थे, दुपिंदर आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी पूछ रहे हैं क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ खड़ी होके वहां पे, क्रेडिट कंट्रोल वॉज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टर्म, मुझे पता था कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, लेकिन गुरुजी के सामने बिल्कुल ब्लैंक हो गया माइंड, मेरे मुंह से कुछ भी एक वर्ड नहीं निकला। आई जस्ट केप्ट, मैं सिर्फ देखती रह गई गुरुजी को। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जा पढ़िया कर, और मैं बाहर आई बड़ी डिसअपॉइंटेड सी। मम्मा ने पूछा क्या हुआ, बड़ी सैड सी लग रही है। मैंने कहा मम्मा गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है और मैं आंसर नहीं कर पाई। तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी की हर बात में कोई ना कोई बहुत बड़ा सीक्रेट होता है, तो बेटर है कि तुम जैसे गुरुजी ने कहा है कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना शुरू करो, स्पेशली इकोनॉमिक्स पे। गुरुजी ने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा है, तो देखेंगे फिर आगे क्या होता है। और मैंने ऐसे ही किया जी, मैंने उस दिन से इकोनॉमिक्स को थोड़ा ज्यादा स्पेशली ट्रीट करना शुरू कर दिया अपने सब्जेक्ट्स में, बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेरिजन में। और संगत जी, गुरुजी के वो जो सीक्रेट था गुरुजी का, कि गुरुजी ने किस लिए मुझसे पूछा था वो क्वेश्चन, वो मुझे कुछ महीनों के बाद रियलाइज हो गया, जब मुझे ये पता चला कि पूरे एकेडमिक ईयर में हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर मिसिंग थी। उस इकोनॉमिक्स की टीचर के ना होने की वजह से ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स की स्टडीज बहुत इफेक्ट हुई, बट जब फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आया, आई वॉज द ओनली स्टूडेंट हु स्कोर्ड 97 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले से वार्न कर दिया था और मुझे मौका दे दिया था कि मैं अपने इकोनॉमिक्स पर वर्क करके उसको स्ट्रॉन्ग बना सकूं, एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर वॉज 63। तो ये हैं गुरुजी, किस तरह से वो पहले से इंडिकेट कर देते हैं अपनी संगत को आने वाले टाइम के लिए, किस तरह से वो पहले से हमें प्रिपेयर कर देते हैं आने वाले टाइम के लिए। उनको सब कुछ पता होता है, उनके लिए कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, ये सब टाइम लिमिटेशंस हमारे लिए हैं, गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं है। गुरुजी को सब पता होता है, हर टाइम पता होता है, सिर्फ उनके आदेश का अगर हम पालन कर लें तो हमारा उद्धार हो जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। अगर हम उन वचनों का पालन नहीं करते तो हम लोग सफर करते हैं। फिर ऐसे ही मेरे बोर्ड एग्जाम्स आए नेक्स्ट क्लास में, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स थे, तो मैंने आना वैसे भी कम किया हुआ था। गुरुजी ने वैसे ही कहा हुआ था कि वीक में एक बार आया करो, और मैंने थोड़ा और कम कर दिया। मैंने कहा बोर्ड एग्जाम्स हैं तो थोड़ा जाना कम कर देती हूँ। लोहड़ी का फेस्टिवल आया जब उस साल, तो मम्मा ने मुझे कहा कि तू चल आज तो लोहड़ी का फेस्टिवल है। मैंने कहा नहीं मम्मा, मेरे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं रहने देती हूँ, वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि पढ़ाई पे फोकस करो। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे फेस्टिवल्स पे तो तू जा ही सकती है, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले आ, अब बोर्ड एग्जाम से पहले अभी तो टाइम है, तेरी सारी प्रिपरेशन भी होगी, ये वो करके मम्मा ने मुझे कन्विंस कर लिया कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं लोहड़ी पे। तो मैं चली गई, सारी संगत जैसे नॉर्मल होती है वैसे चलती रही, सब कुछ हुआ, लंगर प्रसाद वगैरह हो गया। जब मैं आज्ञा लेने के लिए गुरुजी, उस दिन एक बात कहना चाहूंगी कि लोहड़ी वाले दिन गुरुजी ने कैंडीज का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया था, और जब बाहर आके हम वो प्रसाद खा रहे थे तो अचानक एक पुरानी संगत आती है और वो मुझे कहते हैं कि ये प्रसाद तू खा क्यों रही है, इसको संभाल के रख लेना अपने बोर्ड के पेपर्स के लिए। और मैंने उनसे कहा कि लेकिन गुरुजी तो कहते हैं कि अगर यहाँ खाओ तो दवाई है और अगर घर ले जाओ तो मिठाई है। उन्होंने कहा नहीं, वो सारे प्रसाद पे अप्लाई होता है, लेकिन कैंडीज के प्रसाद पे वो चीज अप्लाई नहीं होती, कैंडीज का प्रसाद ऐसा है जो तुम घर ले जा सकते हो। मैं बहुत खुश हुई सुन के, जो मैंने लास्ट रैपर ओपन किया हुआ था बस मैंने वो प्रसाद लिया और बाकी की सारी कैंडीज अपनी जीन्स की पॉकेट में रख ली। अब लंगर प्रसाद होने के बाद जब गुरुजी से परमिशन लेने के लिए गई, मैं माथा टेकने के लिए गई, तो गुरुजी बिल्कुल बेयर हैंडेड बैठे हुए थे, गुरुजी के साइड टेबल पे कुछ भी नहीं रखा हुआ था। जैसे ही मैंने माथा टेक के सर उठाया ऊपर, गुरुजी ने मुझे एकदम से अपना हाथ आगे किया और गुरुजी ने मुझे कहा लेफ्ट आर्म। गुरुजी ने मेरे हाथ पे क्लिप वाले अपने दो स्वरूप्स रखे, जो गुरुजी के, जिसपे गुरुजी के साइन भी थे बैक साइड पे। तो मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि उस दिन गुरुजी स्वरूप बांट नहीं रहे थे, किसी को भी कोई भी स्वरूप गुरुजी का नहीं मिला था उस दिन। गुरुजी की साइड टेबल भी खाली थी जैसा मैंने कहा, और गुरुजी के आसन पे तो स्वरूप का रखा होना इम्पॉसिबल ही था संगत जी, गुरुजी के आसन पे तो कभी कोई चीज ऐसे रखी नहीं जाती थी। तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई कि गुरुजी ने ये स्वरूप प्रोड्यूस करके दिए हैं या क्या किया है, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी।
मुझे लगा कि आज गुरुजी ने मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम्स के लिए ब्लेस कर दिया और मैं उछलती कूदती हुई बाहर आई, मम्मा पापा को बताया, वो भी बहुत खुश हुए, चलिए हम घर की तरफ चल पड़े अपनी कार में बैठ के। अब जब हम घर जा रहे थे, अनडाउटेडली जब भी गुरुजी के पास से जाते थे हमारी कार हमेशा फ्रेग्रेंस से भर जाती थी, क्योंकि गुरुजी के पास से जाने के बाद हमारे कपड़ों में से भी फ्रेग्रेंस आ रही होती थी, हमारे हाथों में से फ्रेग्रेंस आ रही होती थी, हर चीज में से फ्रेग्रेंस आ रही होती थी। लेकिन उस दिन जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी हमारी गाड़ी में, वो एक्सेप्शनली ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो पहले तो हमें समझ नहीं आया कि ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। तो अचानक जैसे ही वो स्वरूप्स मेरे फेस के पास आए, तो मुझे रियलाइज हुआ कि उन स्वरूप्स में से बहुत तेज फ्रेग्रेंस आ रही थी गुरुजी की, और मैं और भी ज्यादा खुश हो गई कि अरे वाह, गुरुजी ने तो बहुत बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स दी है, इतनी तेज फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी के स्वरूप्स में से। हम घर पहुंचे, घर पहुंच के मैंने अपनी कैंडीज का प्रसाद निकाला और उनको काउंट किया, और जैसे ही मैंने उनको काउंट किया मुझे रियलाइज हुआ कि हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे पास एग्जैक्टली 2 कैंडीज थी, एज इफ किसी ने कैलकुलेट करके काउंट करके मेरे पास रखवाया था वो प्रसाद की इतने बोर्ड एग्जाम्स हैं और इतनी कैंडीज, एवरी एग्जाम 2 कैंडीज यू हैव टू टेक। मैं इतनी ज्यादा खुशी, बहुत बहुत खुशी हो रही थी मुझे। और उससे पहले संगत जी मेरी ये हालत होती थी कि मुझे हमेशा टॉपर होने का एक पैशन था, एक नशा था हमेशा टॉप करने का अपनी क्लास में, और मुझे यही टेंशन होती थी कि कोई मेरी टॉपर वाली रैंक ना ले ले, किसी के मार्क्स मुझसे ज्यादा ना आ जाए, टीचर को कोई ऐसी मेरे आंसर शीट में कोई ऐसी जगह ना मिल जाए जहाँ पे वो मेरे मार्क्स काट सके। तो मैं बहुत हमेशा परेशान रहती थी, ऑल्दो हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, हमेशा गुरुजी ने मुझे गोल्ड मेडलिस्ट बनाया थ्रू आउट माई स्टडी पीरियड, लेकिन फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी एग्जाम्स के आसपास। लेकिन गुरुजी का इतनी ब्लेसिंग्स, इतना बड़ा चमत्कार ही था मेरे लिए, तो कि उस साल मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हुई बोर्ड एग्जाम्स की। मैं आराम से जाती थी, गुरुजी का प्रसाद लेके जाती थी, कैंडीज का, गुरुजी के स्वरूप अपने साथ रखती थी और बोर्ड एग्जाम देके आ जाती थी। वापिस आने के बाद गुरुजी का शुक्रिया करती थी। हर एग्जाम इतनी आसानी से निकल गया, इतने आराम से निकल गया, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, आराम मतलब बिल्कुल सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। और जब मेरा लास्ट बोर्ड एग्जाम हुआ, आने के बाद मैंने स्वरूप्स उठाए गुरुजी का थैंक्स करने के लिए, संगत जी उनमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं थी। जो फ्रेग्रेंस लोहरी के दिन से लेके लास्ट बोर्ड एग्जाम तक थी, जब मैंने वापस आके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद वापस आके उनको स्वरूप्स को स्मेल किया, फ्रेग्रेंस हैड गॉन। तो गुरुजी ने एक्चुअली वो स्वरूप सिर्फ मेरे एग्जाम्स के लिए ही ब्लेस करके दिए थे मुझे। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही पापा चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे एम्पायर स्टेट में, पापा की पॉकेट पे गुरुजी की क्लिप वाला स्वरूप लगा हुआ था, गुरुजी ने वो क्लिप वाला स्वरूप अचानक से पापा का पकड़ा और उतार लिया। पापा ने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी कहते ओ कोई गल नहीं, तेरे तो मैं दिल च वसदा, ये किसी होर नूं दे दिंदे आ। पापा ने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी कहते होर किन्ने स्वरूप पे है घर? पापा ने कहा गुरुजी 7-8 होंगे। गुरुजी कहते कल सारे स्वरूप लेके आई। पापा ने कहा ठीक है गुरुजी। तो नेक्स्ट डे पापा ने मुझे कहा कि वो 2 स्वरूप्स भी दे दो जो गुरुजी ने आपको लोहड़ी वाले दिन दिए थे। मैंने कहा वो तो मेरे स्वरूप्स हैं, वो मैं नहीं दूंगी, वो तो गुरुजी ने सिर्फ मुझे ब्लेस करके दिए थे। पापा ने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा सारे स्वरूप्स जितने घर पे पड़े हैं सारे लेके आना, तो मुझे लेके ही जाने हैं वो स्वरूप्स। और ये कह के पापा वो स्वरूप्स भी ले गए। तो गुरुजी ने जिस पर्पस के लिए मुझे वो स्वरूप्स दिए थे, वो पर्पस सॉल्व करने के बाद गुरुजी ने वो खुद ही वापस भी ले लिए स्वरूप्स। They were not forever. अब मैं एक ऐसा सत्संग शेयर करना चाहूंगी जो गुरुजी की बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग थी। ये बात है May 2002 की। बहुत गर्मी पड़ रही थी उस साल, वेदर बहुत ही ज्यादा गर्म था। हम लोग बड़े मंदिर में बैठे हुए थे, कुछ संगत थी हमारे साथ और हम लोग कुछ सेवा कर रहे थे जैसा कि गुरुजी का आदेश था। सेवा करते करते सब लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे और मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ऐसी अनइंटेंशनली बिना किसी कोई खास ध्यान दिए मैंने अचानक से बैठे बैठे बोला कि गुरुजी आप तो कैलाश पे रहते हो, आपको क्या पता कि दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ रही है, कैलाश की थोड़ी सी ठंड इधर भी भेज दो ना। ऐसे बोला और मैं भूल गई उस बात को। लेकिन
गुरु जी ने वो चीज करने के लिए अपनी कितनी पावर लगा दी, अपना कितना जप तप लगाया, गुरु जी ने किस तरह से वो चीज पूरी की, वो मुझे कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ। 26 मई को संडे था, हम लोग गुरु जी से आज्ञा लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे गुरु जी के सामने। गुरु जी ने पापा से पूछा कि कल बेटे की छुट्टी है? पापा ने कहा हाँ जी गुरु जी छुट्टी है। गुरु जी कहते कल को बड़े मंदिर चले जाना सारी फैमिली। हमने कहा ठीक है गुरु जी। हम नेक्स्ट डे मंडे था 27 मई को हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे। जो भी गुरु जी ने आज्ञा दी थी हमने वो अपना द बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी किया। उसके बाद शाम को तकरीबन 5:30 बज गए थे। हम सब ने सोचा कि चलो ठीक है, जो गुरुजी ने आदेश दिया था वो गुरुजी का आदेश निभ के अब घर चलते हैं। अब संगत जी तब तक शाम के 5:30 बजे तक, सुबह से लेके शाम के 5:30 बजे तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बिल्कुल कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ। लेकिन 5:30 बजे के बाद मंदिर में जो भी कुछ हुआ दैट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, दैट वॉज टोटली अनसाइंटिफिक एंड दैट वॉज टोटली इनएक्सप्लिसिबल इन एनी लैंग्वेज। वो चीजें ऐसी हुई जो बियॉन्ड एनी एक्सप्लेनेशन थी। 5:30 बजे अचानक से पूरा मंदिर डार्क क्लाउड्स से कवर हो गया, बिल्कुल ब्लैक कलर के क्लाउड्स थे। और हमें पता था कि जब बारिश हुई तो ऐसी बारिश होगी कि नॉनस्टॉप बारिश होगी। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, बारिश के स्टार्ट होने से पहले पहले घर पहुंच जाते हैं ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही हमने ये सोचा तो मंदिर में स्टाफ होता था उस टाइम पे, बड़े माली भैया, छोटे माली भैया और एक ताऊ जी जो सेम विलेज को बिलोंग करते थे और वही तीनों रहते थे वहां पे। तो ताऊ जी हमारे पास आते हैं, ताऊ जी ने कहा कि आंटी, मम्मा को आके बोलते हैं कि आंटी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पकौड़े शकौड़े बना लेते हैं। मम्मा ने कहा चलो ठीक है, हम पकौड़े बनाने के बाद घर चले जाएंगे, हमने तो घर ही जाना है। और इन द मीनवाइल क्या हुआ कि मंदिर आउटस्कर्ट्स में है तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने इलेक्ट्रिक कट लगा दिया था, क्योंकि अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाता था वायर्स में तो रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो जैसे ही वेदर कभी भी खराब होता था तो पहले ही वो फॉर सेफ्टी रीजंस पहले से इलेक्ट्रिक कट लगा देते थे ताकि इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट होने की कोई गुंजाइश ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो उस दिन भी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी मंदिर की। ऊपर पूरे डार्क क्लाउड्स थे, पूरा मंदिर डार्क, बिल्कुल डार्क हो गया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था मंदिर में। अब बड़े माली भैया ने कहा कि आपकी भी सेवा पूरी हो गई है तो मैं ऐसा करता हूँ मंदिर की जो मेन बिल्डिंग है उसको लॉक कर देता हूँ। उन्होंने एक एक रूम की एक एक विंडो चेक करके बहुत ध्यान से मंदिर का मेन हॉल फाइनली लॉक कर दिया। जैसे ही वो लॉक करके हटे उनको गुरु जी का फोन आया कि तू एम्पायर एस्टेट आ जा माली। वो निकल गए जी एम्पायर एस्टेट के लिए। इधर मम्मा ने जब पकौड़े बनाने की तैयारी की पीछे लंगर वाली किचन में तो मम्मा को रियलाइज हुआ कि रिफाइंड ऑयल नहीं है। तो मम्मा ने मुझे कहा कि जा आरती आगे से जाके रिफाइंड ऑयल ले आ। मैंने कहा ठीक है जी। मैं गुरुजी के झूले वाली साइड से होती हुई, वॉटरफॉल वाली साइड से, वो जो छोटा सा ब्रिज बना हुआ है कुटिया वाली साइड से होती हुई आगे जा रही थी। एक्चुअली संगत जी जो आजकल मंदिर में ऑफिस बना हुआ है, ऑफिस की बिल्डिंग है मेन गेट से एंटर होती, वो उस टाइम पे बड़े माली भैया का रूम हुआ करता था, वहां से मुझे रिफाइंड ऑयल लेके आना था। तो मैं जब पीछे लंगर वाली किचन से आगे जा रही थी तो रास्ते में ऐसी जाते जाते मुझे लगा कि अरे वाह शिवजी की फाउंटेन वाली मूर्ति तो बीच में आती है, तो मैं एक बार माथा टेक लेती हूँ फाउंटेन वाली मूर्ति के आगे। हम ऐसे ही करते थे बड़े मंदिर में, सारा दिन इधर उधर सेवा करनी होती थी, करते करते कभी ब्रास वाली मूर्ति के आगे माथा टेक लिया, कभी गुरु जी के आसन के आगे माथा टेक लिया, कभी फाउंटेन वाली मूर्ति के आगे माथा टेक लिया, जहां मन करता था वहां एक आध बार माथा टेक के 2-4 बार पूरे दिन में ऐसे उछलते कूदते रहते थे इधर उधर। तो मैं घूम के मूर्ति के आगे आती हूँ क्योंकि मूर्ति की बैक साइड वाले रास्ते से मैं जा रही थी, तो फाउंटेन वाली मूर्ति के आगे आने के लिए मुझे थोड़ा सा घूमना पड़ा लोटस के अराउंड। जैसे ही मैं मूर्ति के आगे आई, आई वॉज सरप्राइज टू सी द मूर्ति, आई वॉज ऑस्ट्रक एक्चुअली। मैं इतनी ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि मूर्ति के एक्सप्रेशन टोटली चेंज थे। मूर्ति इतना ज्यादा हंस रही थी, शिव जी की मूर्ति पे इतनी बड़ी स्माइल थी कि वो अनबिलीवेबल सा था मेरे लिए। मैंने कहा सुबह से तो हम मंदिर में है, मैंने तो मूर्ति को ऐसे नहीं देखा।
मूर्ति इस तरह से कैसे हंस रही है, उनकी आईब्रोज भी स्ट्रेटन आउट हो गई थी, उनकी आंखों में वो हंसी छलक रही थी, और जैसे जैसे एक पर्सन ईयर टू ईयर स्माइल देता है, ऐसे शिव जी की स्माइल थी, इतनी ज्यादा ब्रॉड। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई, मैं थोड़ी देर मूर्ति को देखती रह गई, और फिर मैं ऑयल लेके आगे से माली भैया के रूम से ऑयल लेके वापस पीछे मम्मा के पास किचन में गई, और मैंने जाते ही मम्मा को यही कहा कि मम्मा वो जो शिवजी की फाउंटेन वाली मूर्ति है ना, उसके एक्सप्रेशंस चेंज हुए हुए हैं, शिवजी बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। मम्मा ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरी एज बहुत छोटी है और सारा दिन तो गुरुजी के सत्संग वगैरह सुनती रहती है, तूने किसी से सुन लिया होगा कि मूर्ति के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, और वही चीज तेरे दिमाग में बैठ गई। बेटा अगर मूर्ति के एक्सप्रेशन चेंज होंगे भी ना, तो वो साधु संतों को महापुरुषों को दिखाई देंगे, हम जैसे पापियों को कहाँ नजर आएंगे वो एक्सप्रेशन चेंज। मुझे लगा हाँ कह तो मम्मा सही रही हैं, हम जैसों को कहाँ नजर आएंगे अगर मूर्ति के एक्सप्रेशन चेंज होने भी होंगे तो। चलो ठीक है, मैंने मम्मा की बात मान ली, हमने पकौड़े वगैरह निकाले, गुरुजी की कृपा से हम सबने खाए, इंजॉय किया। संगत जी पीछे उस टाइम पे गुरुजी ने दो गेस्ट रूम्स भी बनवाए हुए थे, और बीच में एक लॉबी टाइप थी जो ज्वाइन करती थी लंगर वाली किचन को और उन दो गेस्ट रूम्स को। उस लॉबी में हम लोग चारपाई लगा के बैठे हुए थे, उसके आगे मंदिर का बैकयार्ड था और उसके आगे मंदिर की मेन बिल्डिंग थी हमारे सामने। हम इतना ज्यादा अंधेरा था, इतना ज्यादा अंधेरा था कि हम ऊपर नजर उठाते थे तो हमें मंदिर की सिर्फ वॉल नजर आ रही थी, हमें शिवलिंग के दर्शन नहीं हो रहे थे। संगत जी शिवलिंग अगर पीछे से देखते हैं हम, तो वो अगर अंधेरा होता है आसपास तो वो बिल्कुल ब्लैक होने की वजह से ब्लैक बैकग्राउंड में ही मर्ज हो जाता है, वो नजर ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे हमें इसलिए। तो हालांकि शिवलिंग नजर नहीं आ रहा था, पर लाइटनिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और बारिश भी शुरू हो गई थी उस टाइम तक। जब लाइटनिंग होती थी तो शिवलिंग के हमें दर्शन होते थे, लाइटनिंग की एब्सेंस में बिल्कुल दर्शन नहीं हो रहे थे। लेकिन जो लाइटनिंग उस रात हो रही थी वो बिल्कुल साउंडलेस लाइटनिंग थी, कोई थंडर नॉइज नहीं आ रही थी उस लाइटनिंग में से, जबकि हमें पता चल रहा था कि दिल्ली में वेदर बहुत खराब है और बहुत दूर से डिस्टेंट एक डिस्टेंस पे हमें लाइटनिंग की साउंड्स आ रही थी, कि मंदिर के पेरिफेरी से बाहर जो लाइटनिंग हो रही है उसकी बहुत थंडर नॉइजेस आ रही थी, लेकिन मंदिर के अंदर अंदर जितनी लाइटनिंग हो रही थी टोटली साउंडलेस थी। इतना मजा आ रहा था उसको दर्शन करने में, ऐसे लग रहा था कि भगवान जी फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं और उसका फ्लैश हमें दिखाई दे रहा है। तो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, और पता नहीं हम लोग 6 लोग बैठे हुए थे उस टाइम पे, मैं, मेरा ब्रदर, मम्मी पापा और छोटे लाल भैया और ताऊ जी, हम 6 के 6 लोग वहां उस लॉबी सीन में बैठे हुए थे जो किचन को गेस्ट रूम से कनेक्ट करती थी। उस टाइम पे एक आयरन लैडर होती थी जो गुरुजी ने मंदिर के बैकयार्ड में लगवाई थी, जो मंदिर के टेरेस तक जाती थी, उस टेरेस से फिर आप शिवलिंग पे जा सकते थे। तो अगर पीछे से देखा जाए तो शिवलिंग के लेफ्ट साइड पे आयरन लेडर लगी हुई थी जो मंदिर के फ्लोर को, मंदिर के ग्राउंड को मंदिर के टेरेस से कनेक्ट करती थी, लेफ्ट वाले टेरेस से अगर पीछे से देखें हम मंदिर को। तो क्या होता है कि हम 6 के 6 लोग कॉन्टिन्यूअसली शिवलिंग को देख रहे थे, क्योंकि जब लाइटनिंग होती थी तो शिवलिंग बहुत शाइन करता था और हमें वो चीज बहुत अच्छी लग रही थी। बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, धुआंधार बारिश हो रही थी। अब जैसे ही हम लोग शिवलिंग की तरफ देखे जा रहे हैं 6 के 6 लोग, अचानक क्या होता है कि शिवलिंग में एक व्हाइट लाइट अपीयर होती है जो शिवलिंग के टॉप से लेके उस आयरन लैडर के टॉप तक आती है, और उस लैडर में हम क्या दर्शन करते हैं कि वेव्स बना के एक नदी बह रही है शिवलिंग के टॉप से लेके उस आयरन लैडर के टॉप तक, और वहीं तक वो नदी हमें दिख रही है, वहीं तक वो वेव्स हमें दिख रही है, क्योंकि वो लाइट उतनी ही अपीयर हुई थी, वो जो व्हाइट बैंड ऑफ लाइट था वो उतना ही आया था, उसके आगे हमें कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था। अब हम सब लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है, जब रेनफॉल हो रहा है और स्ट्रेट रेनफॉल हो रहा है, शिवलिंग के आसपास तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं जो वेव्स बना सके, तो पता नहीं ये पानी हवा में ऐसे वेव्स की फॉर्म में कैसे जा रहा है, नहीं समझ आई संगत जी। लेकिन हम सबने से कोई नहीं बोला, हमें लगा कि जिसको भी बताएंगे ना हमें पागल ही समझेंगे, तो सारे चुप रहे। थोड़ी देर के बाद वो आई, थोड़ी मोमेंट्स के लिए रही, वैनिश हो गई। थोड़ी देर के बाद दोबारा से वही व्हाइट बैंड ऑफ लाइट आता है, फिर उसमें वेव्स बनती हैं और वो नदी का फ्लो हमें नजर आता है। अब इस बार कोई ना कोई बोल पड़ा हमने से कि देखा आपने शिवलिंग पे क्या हो रहा है, हमने कहा हाँ हमने देखा, इससे पहले भी यही हुआ था कि एक व्हाइट कलर की लाइट आई थी और उस लाइट में नदी बह रही थी।
हम सबको लगा कि हाँ हम सबने दर्शन किए, हम छह के छह लोगों ने दर्शन किया उस चीज के, लेकिन समझ किसी को नहीं आई कि ये कैसे हो सकता है। अब थर्ड टाइम क्या हुआ, वो लाइट भी आई थोड़ी देर रही और वैनिश हो गई। फिर थर्ड टाइम जब वही व्हाइट बैंड ऑफ लाइट अपीयर हुआ शिवलिंग के टॉप से लेकिन लैडर के टॉप तक, तो इस बार वो जो नदी बह रही थी वो इस तरह से बह रही थी कि जैसे नदी चलती है कुछ दूर जाके पत्थर से टकराती है और अपना पानी चारों तरफ फैला देती है, फिर थोड़ी दूर चली वो नदी, फिर से वो पत्थर से टकराई और फिर से उसने पानी सब तरफ फैला दिया, फिर थोड़ी दूर चली और फिर से पानी फैलाया उसने। शिवलिंग के टॉप से लेके लैडर के टॉप तक आने में वो ऐसे लग रहा था कि वो जो नदी शिवलिंग से बह रही है वो तीन बार पत्थरों से टकरा के अपना पानी चारों तरफ फैला रही है। और इस बार हम लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक पानी जो ऊपर स्काई से गिर रहा है और स्ट्रेट रेनफॉल हो रही है उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो थिन एयर में आ रहा है, थोड़ी देर स्ट्रेट स्लांटिंग लाइन में आ रहा है और फिर उछल रहा है चारों तरफ फैल रहा है, फिर स्ट्रेट स्लांटिंग लाइन में आ रहा है और फिर उछल रहा है चारों तरफ। समझ नहीं आया संगत जी, हमने ताऊ जी और छोटे लाल भैया से पूछा कि भैया ऐसा तो अक्सर होता ही होगा ना यहाँ पे जब भी बारिश होती होगी, वो कहते हैं नहीं जी हमने तो पहली बार दर्शन किया, हमें तो नहीं समझ आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है आज। हमें तब समझ आया कि गुरु जी विशेष कृपा कर रहे हैं, आज बहुत बड़े दर्शन करवा रहे हैं। हमने सिर्फ सुना था कि शिव जी की जटाओं से गंगा यमुना निकलती है, लेकिन आज गुरु जी ने हमें साक्षात शिवलिंग के टॉप से गंगा जी निकाल के दिखाई और किस तरह से उनका फ्लो दिखा रहे थे गुरु जी, कभी वेव्स बना रहे थे और कभी वो पत्थरों से टकरा के उछल रही थी नदी। बहुत खुशी भी हो रही थी संगत जी, बहुत डर भी लग रहा था साथ साथ कि कैसे अजीब अजीब चीजें हो रही हैं जो पहले कभी ना देखी ना सुनी है। एनीवे हमें क्यूरियोसिटी भी बहुत हो रही थी कि गुरुजी इतने दर्शन करवा रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो अगर मंदिर में पीछे ये सब कुछ हो रहा है तो आगे तो पता ही नहीं गुरुजी क्या ही नजारे दिखा रहे होंगे, चलो आगे चल के देखते हैं। अब हमने जैसे ही उस प्लेटफॉर्म से नीचे कदम उतारा, दो स्टेप्स थी जिससे हम मंदिर के बैकयार्ड में आते थे उससे उतर के प्लेटफॉर्म से, जैसे ही हमने वो दो स्टेप्स से नीचे पांव उतारा तो वहां पे पानी का फ्लो इतना तेज था, पीछे रेड सैंडस्टोन लगा हुआ था मंदिर के बैकयार्ड में उस टाइम पे, जैसे ही हमने पैर नीचे उतारा हमें ये लगा कि आज तो हम बह जाएंगे, पानी का इतना तेज फ्लो था कि हमें बहा के ले जाता अगर हम एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। हम चारों ने एक दूसरे के हैंड्स होल्ड किए और तब हम धीरे धीरे चल के आगे बढ़ना शुरू हुए और उस पानी की भी वेव्स बन रही थी और वो वेव्स इतनी ज्यादा बन रही थी कि वो हमारे नीज तक हमें वेट कर रही थी, नी हाई वेव्स बन रही थी। हम बहुत हैरान हुए कि अगर एक स्मूथ सरफेस पे इतनी हाई वेव्स बन रही हैं तो बाहर जो टूटी फूटी रोड है उस पे तो बुरा ही हाल होगा, उस पे क्या हो रहा होगा। बाहर जो मंदिर के बाहर रोड थी वो बिल्कुल टूटी हुई थी उस टाइम पे, बिल्कुल रफ सरफेस था, पत्थर पड़े हुए थे छोटे छोटे इधर उधर। हमने सोचा कि चलो मंदिर के गेट तक चलते हैं और दरवाजा गेट खोल के देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, सड़क पे बाहर का नजारा कैसा है। अब हम बड़ी मुश्किल से एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के बड़े ध्यान से उस पानी में बहते हुए पानी में चल के जा रहे हैं। जैसे ही हम पीछे वाले गेट तक ही पहुंचे थे, आगे वाले गेट तक तो अभी पहुंचे ही नहीं, हमने सोचा चलो पीछे वाला गेट ही खोल के देख लेते हैं क्योंकि सड़क तो हर तरफ ही टूटी हुई है आगे वाले गेट पे भी और पीछे वाले गेट पे भी। जैसे ही हमने वो गेट खोल के देखा बाहर तो कुछ भी नहीं था, बाहर तो इतना भी पानी नहीं था कि हमारे एंकल्स तक भी पहुंच सके, नीज तक पहुंचना तो एक अलग ही बात है। तो एक कितना अजीब सा नजारा था कि पानी जो अंदर फ्लो हो रहा था एक स्मूथ सरफेस पे वो इतना हाई था और इतना स्पीडी था कि हम उसमें बह जाते, वो एक नदी की तरह बह रहा था। और जैसे ही हम गेट खोलते हैं और बाहर देखते हैं बाहर कुछ भी नहीं है, पानी बह रहा था ठीक है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी लेकिन बहुत कम पानी था और वो बह के साथ साथ निकल रहा था, वो ऐसे इकट्ठा नहीं हो रहा था कि वो नदी के फॉर्म में या वेव्स की फॉर्म में कुछ हो। तब तक हमें रियलाइज हो गया था कि गुरुजी आज बहुत बड़े दर्शन करवा रहे हैं। एंड उस टाइम पर हम लोग कांप रहे थे ठंड के मारे भी और डर के मारे भी कि गुरुजी कैसे नजारे दिखा रहे हैं आज, सब कुछ अजूबा हो रहा है, सब कुछ अजीब तरीके से हो रहा है जैसा कभी पहले ना देखा है ना सुना। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं कि चलो आगे भी चल के देखते हैं कि आगे गुरुजी मंदिर की फ्रंट पोर्शन में क्या दर्शन करवाएंगे। तो जब हम आगे की तरफ जा रहे थे हमने सोचा कि चलो ठीक है, बड़े माली भैया का जो बिल्कुल आगे मेन गेट पे
रूम बना हुआ है, उस रूम के आगे हल्की सी शेड है, वहां चेयर लगा के बैठ जाते हैं थोड़ी देर, और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, जब बारिश थोड़ी कम हो गई या बारिश बंद हो गई तब हम घर चले जाएंगे, तब तक मंदिर में इंजॉय करते हैं। अब जब हम आगे की तरफ जा रहे थे तो ऑब्वियसली शिव जी की जो मूर्ति है फाउंटेन वाली, वो रास्ते में आती है, मार्बल वाली मूर्ति, मैंने मम्मा पापा को कहा कि एक बार सिर्फ एक बार शिव जी की मूर्ति के दर्शन कर लो और मुझे बता दो कि मेरा धोखा था या सचमुच शिव जी की मूर्ति के एक्सप्रेशन चेंज है। तो मम्मा पापा और मेरे ब्रदर ने भी देखा, डेफिनेटली देर वॉज अ विजिबल चेंज इन शिव जी एक्सप्रेशन विच वॉज बियॉन्ड एनी एक्सप्लेनेशन। तो सबने माथा टेका, बहुत खुश भी हो रहे थे। चलिए हम वहां से निकल के आगे की साइड पहुंचे, माली भैया के रूम के आगे जो थोड़ी शेड बनी हुई थी उसके नीचे चेयर्स लगाई और वहां पे बैठ गए। अब हमें जो नजारे दिखाए गुरुजी ने, जितने मुझे याद है मैं वही एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकती, क्योंकि बहुत कुछ मिस भी किया होगा हमने उस रात। इतने नजारे थे कि हम लेफ्ट देखते थे तो ऐसा लगता था कि राइट साइड पे कुछ मिस कर दिया, राइट देखते थे तो ऐसा लगता था कि लेफ्ट साइड पे कुछ मिस कर दिया। जहां तक मुझे याद है शिवलिंग के पीछे इतना तेज था, शिवलिंग के आसपास इतना ऑरा था व्हाइट कलर का कि शिवलिंग ऐसे ग्लो कर रहा था स्काई में, बाकी सारा कुछ अंधेरा अंधेरा लग रहा था और शिवलिंग के पीछे इतनी ज्यादा व्हाइट कलर की ग्लो थी कि ऐसे लग रहा था कोई बल्ब जल रहा है या कोई हेलोजन जल रही है शिवलिंग के पीछे, जबकि कुछ था तो था ही नहीं, लाइट का तो कोई सोर्स ही नहीं था, लेकिन वो शिवलिंग का अपना ऑरा था जो हमें नजर आ रहा था फ्रंट साइड से, जो शिवलिंग हमें पीछे से विजिबल भी नहीं हो रहा था बिना लाइटनिंग के, वही शिवलिंग इस तरह से उभर के चमक रहा था जैसे कोई जेम हो फ्रंट साइड से। हम अचानक से हम देखते हैं कि शिवलिंग के आसपास मोटी मोटी वेव्स बन के व्हाइट लाइट के बैंड्स फ्लो होने लग गए, जैसे एक रिवर फ्लो हो रही है, और वो रिवर कभी शिवलिंग की बैक साइड पे होती थी, कभी लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे। इतनी बार वो गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी गुरुजी ने फ्लो करती हुई दिखाई, व्हाइट कलर की ब्राइट लाइट से वेव्स बनती हुई दिखाई और वो सारी आकाश में गंगा की तरह बह रही थी शिवलिंग के आसपास। अचानक क्या होता है कि हमारा जितना बड़ा शिवलिंग है उतने ही बड़े बड़े शिवलिंग्स व्हाइट लाइट के बनने शुरू हो गए, और इतने शिवलिंग्स बने कि पूरा स्काई शिवलिंग से, व्हाइट लाइट के शिवलिंग से चकाचौंध हो उठा। शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग की साइड पे, शिवलिंग की बैक साइड पे शिवलिंग्स ही शिवलिंग्स हो गए। हमारा एक अलग से ब्लैक शिवलिंग नजर आ रहा था और बाकी सारे शिवलिंग्स गुरुजी लाइटनिंग से बना रहे थे जो प्योर व्हाइट लग रहे थे और इतना शाइन कर रहे थे कि चांद में भी उतनी चमक नहीं आती। उसके बाद जैसे ही वो नजारा खत्म हुआ, उसके बाद गुरुजी ने लेजर शो चलाना शुरू किया, और ऐसा लेजर शो था वो कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। उस टाइम तो लेजर शो का कॉन्सेप्ट ही नया था, लेकिन आज की दुनिया में तो लेजर शो बहुत होते हैं, लेकिन वैसा लेजर शो तो मैंने कभी नहीं देखा जैसा गुरुजी ने उस रात दिखाया। अचानक शेषनाग जी की आंखों में से इतनी रोशनी निकलने लगी, शिव जी की आंखों में से रोशनी आने लग गई, जो शिव जी की ब्रास वाली मूर्ति है उनकी आईज में से रोशनी निकलने लग गई, गुरुजी के आसन में से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट्स निकलने लग गई। और हम लोग मंदिर के मेन गेट पे बैठे हुए हैं, मंदिर का मेन हॉल का मेन डोर बंद है, जो ग्लास विंडोज है वो साइड पे हैं, हमें पता है वो स्लांटिंग एंगल पे बनी हुई है। तो अगर आप मंदिर के मेन गेट से खड़े होके देखें और मेन हॉल का मेन गेट बंद हो तो आपको मंदिर के अंदर के हॉल के अंदर के नजारे नहीं दिख सकते, लेकिन गेट बंद होते हुए भी हमें उस रात वो सब कुछ नजर आ रहा था जो हमें नजर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेन हॉल का मेन गेट लॉक था। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ इनविजिबल कर दिया था, कोई दीवार नहीं थी, ऐसे लग रहा था कोई गेट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी। गुरुजी ने जो दिखाना था वो गुरुजी क्लियरली दिखा रहे थे, बहुत क्लियरली दिखा रहे थे। अचानक से मंदिर में जो गुरुजी का ग्रीन रूम बना हुआ था वो जगमगा उठता है लाइट्स से। अब हमें समझ नहीं आया कि कैसे गुरुजी के रूम में लाइट्स कैसे जलोगी। तो छोटे लाल भैया ने सोचा कि जब बड़े माली भैया ने रूम्स बंद किए थे ना उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कट लगा हुआ था, प्रोबेबली वो लाइट के स्विचेस चेक करना भूल गए, गुरुजी के रूम की लाइट चलती रह गई और अब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर दी है तो इसीलिए गुरुजी का रूम लाइट से ब्राइट हो रहा है। उन्होंने कहा चलो मैं देख के आता हूँ, गुरुजी के रूम की लाइट्स बंद कराता हूँ। वो जाने लगे, जाने से पहले फिर उन्होंने सोचा कि एक बार मैं यहाँ तो लाइट चला के देख लूं कि बाकी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हुई है या नहीं हुई। जैसे उन्होंने स्विच ऑन किया, संगत जी अभी भी इलेक्ट्रिसिटी कट था।
तो हमें समझ आ गया कि गुरुजी सिर्फ दर्शन करवा रही हैं, ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ गुरुजी की पावर से हो रहा है, मंदिर की पावर से हो रहा है, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, गुरुजी दर्शन करवा रहे हैं, मैं नहीं जाता, जाने का कोई अब रह भी नहीं गया था। और वही बात हुई, थोड़ी देर के बाद वो लाइट्स बंद हो गई अपने आप ही, जैसे वो अपीयर हुई थी वैसे ही वो बंद भी हो गई। अब क्या होता है, अचानक से हमें नजर आता है कि अपने मेन शिवलिंग के नीचे हॉल के ठीक सेंटर में एक व्हाइट कलर का बहुत ऊंचा सा स्ट्रक्चर अपीयर हो जाता है, और हमें लगता है कि शायद वो कोई व्हाइट कपड़े पहन के कोई इंसान खड़ा हुआ है जो गलती से हॉल के अंदर बंद हो गया। छोटे अगेन छोटे लाल भैया और ताऊ जी को भी यही लगा कि माली भैया ने अंधेरे में बंद किया था मंदिर, ये ना हो कि कोई मंदिर के अंदर बंद हो गया, एक बार चेक कराते हैं, लग रहा है कि कोई मेन हॉल में है। फिर उन्होंने सोचा कि सुबह से तो कोई मंदिर में आया ही नहीं, आप ही लोग आए थे और आप तो सबके सब यहाँ पे हो, तो मंदिर के हॉल के अंदर कोई कैसे हो सकता है। हम सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या हो सकता है। सडनली पापा ने बोला कि कॉलेज डेज में एक बार मुझे अमरनाथ जी की यात्रा का मौका मिला था, और साल में अमरनाथ जी में एक बार जो शिवलिंग बनता है, बाबा बर्फानी जी ने कहा जाता है, गुरु जी उसी शिवलिंग के दर्शन हमें अपने मंदिर में करवा। और हमने जब ध्यान से देखा, वाकई संगत जी वो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर शिवलिंग ही था, बहुत ऊंचा शिवलिंग था, वो प्योर व्हाइट कलर का शिवलिंग था, और हमने वहीं से शिवलिंग को माथा टेका। तो गुरुजी ने हमें मंदिर में अमरनाथ जी के भी दर्शन करवाए। हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, साथ साथ डरे भी हुए थे कि आज सब कुछ जो भी हो रहा है बहुत अलग सा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा। तो हमने सोचा कि चलो अब बारिश भी थोड़ी रुक गई है, उस टाइम तक बारिश रुक गई थी और हवा चलनी शुरू हो गई थी, हमने कहा चलो बारिश अब रुक गई है तो हम लोग घर चलते हैं। हमारा कुछ सामान रखा हुआ था पीछे गेस्ट रूम्स में, हमने सोचा कि चलो अपना सामान लेते हैं पीछे गेस्ट रूम से, बहुत दर्शन करवा दिए गुरु जी ने, बहुत इंजॉय कर लिया हमने, अब घर जाने का टाइम है। जैसे ही हम आगे से पीछे जाने के लिए उठते हैं तो हम देखते हैं कि स्काई में एक कोई प्लेन जा रहा था जो मंदिर के ऊपर से क्रॉस कर रहा था, और उस प्लेन की रिफ्लेक्शन बहुत क्लियर मंदिर के वेट फ्लोर पे नजर आ रही थी। हर एक लाइट जो उस प्लेन में जल रही थी, रेड लाइट थी, ब्लू लाइट थी, येलो लाइट थी, व्हाटएवर लाइट्स उस प्लेन में नजर आ रही थी स्काई में, वही सारी लाइट्स हमें मंदिर के वेट फ्लोर में भी नजर आ रही थी। बहुत क्लियर विजिबिलिटी थी उस प्लेन की। मुझे नहीं पता संगत जी ये कितना लॉजिकल है कि एक प्लेन जो माइल्स एंड माइल्स अबव जा रहा है एक मंदिर के, उसका वेट फ्लोर में नजर आना, उसकी रिफ्लेक्शन का इतना क्लियर नजर आना, आई डोंट नो इफ इट इज लॉजिकल और नॉट। लेकिन वो प्लेन जाता चला गया और इवेंचुअली वो हमारी आंखों से ओझल हो गया, हमें स्काई में वो दिखना बंद हो गया। लेकिन जब हमने फ्लोर पे देखा, मंदिर के वेट फ्लोर में, उसकी रिफ्लेक्शन अभी भी उतनी ही क्लियर थी, वो सारी लाइट्स अभी भी हमें प्लेन की जलती हुई नजर आ रही थी, और प्लेन के जाने के बहुत देर के बाद वो लाइट्स वैनिश हुई। तो हमें लगा कि जैसे भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया को अपना मुंह खोल के दिखाया था कि जैसे पूरा यूनिवर्स मेरे मुंह में समाया हुआ है, ऐसे गुरु जी ने उस दिन हमें दर्शन करवाए कि देखो पूरा यूनिवर्स इस मंदिर में समाया हुआ है, ये मंदिर सिर्फ हमें दिखाई देता है कि इस धरती पे है, एक्चुअली ये पूरी धरती या ये पूरा यूनिवर्स या ये सारी गैलेक्सीज जितनी भी नोन है वो सारी की सारी इस मंदिर में है, इतनी पावर है हमारे मंदिर में, इतनी शक्ति है हमारे मंदिर में। उस दिन हमें लगा कि शायद जो आज तक मंदिर की शक्तियां हाइड मोड में थी वो आज सारी की सारी अचानक से गुरु जी ने डिस्प्ले मोड में डाल दी, और वो सब कुछ हमें अपनी आंखों से दिखा रहे थे कि देखो देखो कितनी पावर है मंदिर। हम पीछे से चल के आगे आगे से चल के पीछे पहुंचते हैं मंदिर की बैक साइड पे दोबारा से, और हम फिर से वहीं जाके खड़े हो जाते हैं उस एरिया में जो कनेक्टिंग एरिया था किचन और गेस्ट रूम्स के बीच का, क्योंकि मन तो कर ही नहीं रहा था घर जाने का। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी इतने सारे दर्शन करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा अगर घर चले गए छोड़ के। डरे भी हुए थे अनडाउटेडली, क्योंकि As I said, कि सब कुछ अब नॉर्मल हो रहा था, लेकिन फिर भी मन भी नहीं भर रहा था। जब हम वहां खड़े हुए संगत जी, हमने देखा कि अचानक से एक बहुत मोटी सी रेड कलर की लाइट गुरुजी कुटिया में से निकली और जाके शिवलिंग शिवजी की ब्रास वाली मूर्ति की बैक साइड पे वो वैनिश हो गई, उसके अंदर समा गई जैसे निकल के।
और फिर क्या होता है कि जो शिवलिंग पीछे हमें विजिबल भी नहीं था, अचानक से उस शिवलिंग के ऊपर एक मोटी सी व्हाइट कलर की रे, डैम स्ट्रेट रे, इट केम फ्रॉम द स्काई, एक डैम व्हाइट स्ट्रेट रे लाइटनिंग की, बहुत वाइड स्काई से आई और शिवलिंग के टॉप पे आके टिक गई कुछ देर के लिए। लाइटनिंग की रे कभी स्ट्रेट नहीं होती, वो हमेशा जिगजैग होती है। सेकेंडली, लाइटनिंग एक पतली सी स्ट्रीक होती है जो आती है और चली जाती है, कभी लाइटनिंग इतनी वाइड नहीं हो सकती। और थर्ड, लाइटनिंग कभी रुकती नहीं है। उस रे ने एक्चुअली आके वहां पे होल्ड की पोजीशन थोड़ी देर के लिए, और हमें याद आई, एक अंकल ने हमें बताया था पंजाब की संगत ने, कि जब वो गुरुजी के साथ मंदिर में एक दिन राउंड लगा रहे थे, तो गुरुजी से उन्होंने पूछा कि गुरुजी आपने शिवलिंग इतना ऊंचा बनवा दिया, शिवलिंग पे जल और दूध कैसे चढ़ाएंगे। गुरुजी कहते, कमलियो तुसी थोड़ी शिवलिंग पे, मैं पंजाबी की जगह हिंदी यूज कर लेती हूँ, गुरुजी ने कहा कि शिवलिंग पे आप लोगों ने थोड़ी जल या दूध चढ़ाना है, इस शिवलिंग पे तो स्वर्ग से देवी देवता दूध चढ़ाएंगे। और वही नजारा गुरुजी ने साक्षात उस दिन हमें हमारी आंखों के सामने दिखा दिया। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि स्वर्ग से देवी देवता दूध चढ़ा रहे हैं शिवलिंग के ऊपर। हम लोग बहुत खुश हुए। तब तक ये था कि बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी, हवा इतनी तेज चल रही थी, इतनी तेज चल रही थी कि सब कुछ ऑलमोस्ट सूख गया था। मंदिर का फ्लोर भी कहीं कहीं वेट था, कहीं कहीं से ड्राई हो गया था। हमारे कपड़े सूख चुके थे, जो कि हम पहले पूरे भीगे हुए थे, उस टाइम तक हमारे कपड़े भी सूख गए थे। लेकिन एक बहुत अनयूजुअल सी बात ये हो रही थी कि हवा एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, हवा एक डायरेक्शन में चल रही थी, बहुत तेज हवा थी, बहुत ज्यादा तेज हवा थी। जिस डायरेक्शन में हवा चल रही थी, एग्जैक्टली उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मंदिर के सारे पेड़ पौधे झुके हुए थे। मंदिर का एक एक पत्ता, हर एक प्लांट का, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ट्री का हर एक पत्ता हवा से एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में झुका हुआ था। हमें बहुत हैरानी हुई उस दिन, मुझे नहीं समझ आई कि गुरुजी ये क्या दर्शन करवा रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जगन्नाथ धाम में जो टेम्पल है, उसके ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है, वो हमेशा विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फहराता है। तो गुरुजी ने ये दिखाया कि जगन्नाथ धाम भी इसी मंदिर में है। हर एक तीर्थ, हर एक धाम की शक्ति है अपने मंदिर में, हर चीज से ज्यादा शक्तिशाली है हमारे मंदिर की शक्तियां, और बहुत अमेजिंग है। तो ये दर्शन हो रहे थे अभी कि अचानक हमें लगा कि जैसे मंदिर की हमें व्हाइट वॉल नजर आ रही थी पीछे से, हमें लगा कि मंदिर की लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक पानी बह रहा है। उस दीवार के पीछे मंदिर की मेन बिल्डिंग में पानी बहना शुरू हो गया, और वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। कल कल की बड़ी प्यारी सी आवाज आ रही थी पानी के बहने की, तो मैं बहुत खुश हो रही थी। मैं, अरे वाह गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, ऐसे ऐसे करके बहुत जंप कर रही थी, बहुत खुश हो रही थी। लेकिन वो आवाज जो थी पानी की, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो थोड़ी तेज हुई, फिर और थोड़ी तेज हुई, और थोड़ी तेज हुई। अचानक वो आवाज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो बियॉन्ड टॉलरेंस हो गई। और मुझे ये लगा कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बातें चलती रहती हैं, कि आज वाकई ग्लोबल वार्मिंग ने वही सब कर दिया जिसका हमें डर था। ग्लेशियर्स पिघल गए, आइस सारी पिघल गई, और पूरी धरती पे पानी पानी हो गया, और आज इस पानी में पूरी धरती बह जाएगी, आज सैलाब आ जाएगा। और वो टाइम था जब उस पानी की आवाज इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि मैंने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को कवर किया और अचानक से चिल्लाई, वाह गुरुजी, जय गुरुजी, करते करते अचानक मैंने शाउट किया, गुरुजी बस। और जैसे ही मैंने ये कहा, वो सारी वॉइस ऐसे बंद हो गई जैसे किसी ने रिमोट उठाया और म्यूट का बटन बंद कर दिया। जो आवाज धीरे 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 करके बढ़ती 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 जा रही थी, वो अचानक से टोटली बंद हो गई, बिल्कुल सब सन्नाटा छा गया एकदम से। मैं बहुत हैरान हुई कि गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे गुरुजी बिल्कुल पास ही खड़े हुए थे और गुरुजी ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया। मम्मा मेरे पास आए, मम्मा ने कहा तूने सारे दर्शन बंद करवा दिए, क्या करती है तू। मैंने कहा मम्मा दर्शन उस हद तक हो जिस हद तक इंसान झेल पाए, अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो। इतनी तेज आवाज हो गई थी कि मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए मैं चिल्ला पड़ी।
और हमने कहा चलो ठीक है अब घर चलते हैं, पक्का घर चलते हैं। और उस टाइम पे हम लोग कहाँ खड़े हुए थे संगत जी, हम लोग दीवार से बिल्कुल सट के खड़े हुए थे, हमारे सर के ऊपर एस्बेस्टस शीट थी जो 10 फीट वाइड थी जिसने हमें कवर किया हुआ था ऊपर से, हमारे आसपास कोई पेड़ पौधा नहीं था। जैसे मैंने कहा कि बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी थी, फ्लोर हाफ ड्राई था, बहुत तेज हवा चल रही थी, अचानक से हमने कुछ नहीं देखा, कुछ आता जाता कुछ नहीं देखा। हम लोग चारों खड़े हुए हैं, हम वहां से निकलने की सोच रहे हैं, मंदिर से निकलने की, घर जाने की सोच रहे हैं, अचानक से हमारे ऊपर पानी गिरता है और वो पानी हमें बिल्कुल ड्रेंच कर देता है, वो पानी हमारे बालों से ड्रिप होने लग जाता है, हमारे कपड़ों से ड्रिप होने लग जाता है, हम सर से पांव तक पूरे भीग जाते हैं उस पानी में। लेकिन वो पानी का कोई सोर्स नहीं था हमारे आसपास। अचानक से रियलाइज हुआ कि ये पानी है ही नहीं, ये तो गुरुजी का अमृत है जिसमें आज गुरुजी ने हमें नहला दिया। बट वो लास्ट चीज थी, उसके बाद हम लोगों को लगा कि अब और बस हिम्मत नहीं बची, अब तो सामान उठाया भी, हम लोग गाड़ी पे गाड़ी के पास गए, गाड़ी स्टार्ट की, और उस दिन हमने उस रात मंदिर से गाड़ी स्टार्ट की और सीधा घर जाके ही ब्रेक्स लगाए, क्योंकि सारी सड़कें खाली थी, कहीं कोई लाइट ही नहीं जल रही थी पूरी दिल्ली में। लेकिन सड़कों पे जो हमने सीन देखे वो बहुत हैरान करने वाले थे, इतने मेजर मेजर एक्सीडेंट्स हुए पड़े थे सड़कों पे, इतने बड़े बड़े पेड़ अपरूट होके गिरे हुए थे, कई कई पेड़ गाड़ियों पे गिरे पड़े थे और गाड़ियां पूरी तरह क्रश हो चुकी थी, जबकि हमारे मंदिर में उस रात किसी एक पौधे का एक पत्ता भी नहीं टूट गया। इतनी पावर है, इतनी शक्ति है हमारे गुरुजी में और गुरुजी के मंदिर में। अब नेक्स्ट डे बाद में मालियों ने हमें बताया कि नेक्स्ट डे जब वो सुबह उठे सोकर, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के पूरा बैक यार्ड ऐसी मिट्टी से कवर्ड था जिसे हम सिल्ट कहते हैं, जो सिर्फ रिवर बेड्स में मिट्टी मिलती है। उनको पता था कि आसपास ऐसी मिट्टी का कोई सोर्स नहीं है। उन्होंने देखा कि मंदिर के बैक यार्ड में लेयर्स की लेयर्स सिल्ट की जमी हुई है। उन्होंने फटाफट अपनी व्हील बैरो ली और मिट्टी को साफ करना शुरू किया कि इससे पहले गुरुजी आ जाए फटाफट मंदिर साफ कर देते हैं, मंदिर बहुत गंदा हुआ पड़ा है। और उनको दोपहर हो गई, वो मिट्टी उठाते उठाते इतनी ज्यादा थी वो मिट्टी मंदिर के बैक यार्ड में, और जैसे ही उन्होंने सफाई खत्म की, मंदिर का फ्रंट डोर नॉक हुआ, गुरुजी अंदर आए, गुरुजी कहीं रुके नहीं, गुरुजी ने किसी से बात नहीं की, गुरुजी ने सिर्फ एक राउंड लगाया मंदिर का और चुपचाप चले। गुरुजी कभी मंदिर में अकेले नहीं आते थे, गुरुजी हमेशा किसी ना किसी के साथ आते थे बड़े मंदिर में, लेकिन उस दिन गुरुजी बिल्कुल अकेले आए थे और बिना किसी से बात किए, बिना कहीं रुके, बिना कहीं बैठे गुरुजी वापस भी चले गए। और बड़े माली भैया का उस दिन ये हुआ कि वो बड़े मंदिर से निकल गए थे क्योंकि गुरुजी ने उन्हें एम्पायर एस्टेट बुला लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो एम्पायर एस्टेट पहुंचते, वो मंदिर के पास ही किसी विलेज में पहुंचे थे, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, तूफान आने लगा, तो उनको वहीं पे शेल्टर लेना पड़ा किसी शॉप में, वो एम्पायर एस्टेट पहुंच ही नहीं पाए। बाय द टाइम तूफान थमा, हवा वगैरह बहुत तेज चलने लगी, तो उन्होंने सोचा कि आज वैसे भी बहुत लेट हो गया हूँ, तो कोई सेंस नहीं बनती इस टाइम एम्पायर एस्टेट जाने की, मैं फिर कभी गुरुजी के दर्शन करने चला जाऊंगा। तो वो वापिस आ गए, तो उन्होंने बड़े मंदिर के दर्शन भी नहीं हो पाए उनको, और गुरुजी के दर्शन भी नहीं हो पाए, वो रास्ते में ही रुक गए थे उस रात। जब हम घर अच्छा ट्यूसडे को ये हुआ कि गुरुजी आके चले गए बड़े मंदिर में, वेंसडे को गुरुजी ने दो अलग अलग संगत के लोगों को कॉल किया, एक आंटी को और एक अंकल को, कि मैं वड्डे मंदिर गया सी, उत्थे होर भी एनर्जी भर के आया, तुसी अज वड्डे मंदिर जाके मत्था टेक के आई हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी, उनको ये चीज तो समझ नहीं आई कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं कि बड़े मंदिर में और भी एनर्जी भर के आया हूँ, वो वाला पार्ट उनको समझ नहीं आया, लेकिन उनको लगा कि गुरुजी का आदेश है कि बड़े मंदिर जाके माथा टेक के आना, तो गए बड़े मंदिर, उन्होंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और माथा टेक के वापस आ गए। अब थर्सडे जो था वो फर्स्ट संगत डे था, तीन ऑफ डेज के बाद, मंडे ट्यूजडे वेंसडे ऑफ डेज होते थे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे संगत लगती थी, थर्सडे फर्स्ट संगत डे था और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे गुरुजी से बताने के लिए कि गुरुजी मंडे को क्या क्या दर्शन करवाए हैं आपने बड़े मंदिर में। तो हम जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंचते हैं, अभी हमने वो स्टेयर्स भी नहीं उतरी थी जो गुरुजी के पास हॉल में जाने के लिए उतरनी पड़ती है, उससे पहले ही गुरुजी ने एकदम से पापा को बोला कि देखे फिर नजारे,
पापा कहते हैं हां जी गुरु जी, बहुत नजारे दिखाए आपने। पापा एकदम भागते हुए गुरु जी के पास गए। पापा ने कहा गुरु जी बड़े मंदिर में गंगा यमुना बहा दिया आपने और ऐसे अमृत में भी हो दिया। गुरु जी कहते वो मैनू की दसते, मैं तो सब कुछ किता ही है इन्हों बस। वहां संगत बैठी हुई थी गुरु जी के चरणों में, कुछ गुरु जी की सेवा कर रहे थे और कुछ वैसे बैठे हुए थे। गुरु जी ने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि इनको सुनाओ। तो जैसे ही पापा शेयर करने लगे तो वहां पे जो अंकल आंटी थे जिनको गुरु जी ने वेंसडे को फोन करके मंदिर भेजा था, तो तब उनको रियलाइज हुआ कि अच्छा मंदिर में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है, इसीलिए गुरु जी ने कहा था कि मैं मंदिर में और भी एनर्जी भर के आया हूँ। तो गुरु जी ने हमें वेंसडे को स्पेशली माथा टेकने के लिए मंदिर भेजा था। फिर एक और आंटी ने बताया कि मंडे को जिस टाइम पे आपको सारे दर्शन हो रहे थे, गुरु जी एम्पायर स्टेट में बाहर बैठे हुए थे फ्रंट यार्ड में, मैं गुरु जी के चरण दबा रही थी और गुरु जी ने अचानक से बोला कि आज दर्शन करवाते, आज सब तो बड़े दर्शन करवाते। आंटी कहते मुझे नहीं समझ आया कि गुरु जी किस दर्शनों की बात कर रहे हैं, गुरु जी ने किसको दर्शन करवाए हैं और गुरु जी ने कहाँ दर्शन करवाए हैं। लेकिन गुरु जी से पूछने की हिम्मत तो किसी की भी नहीं होती थी, तो मैं चुप हो गई। कहते आज आपके बताने से मुझे रियलाइज हो रहा है कि गुरु जी आप लोगों की बात कर रहे थे कि बड़े मंदिर में आपको ये सब दर्शन करवा रहे थे। तो कोटि कोटि नमन गुरु जी को, शत शत धन्यवाद गुरु जी का इतने बड़े दर्शन करवाने के लिए और वो सब देने के लिए हमें, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं था कि भगवान हमें किस तरह से प्यार करते हैं। गुरु जी ने ही वो सब बताया कि भगवान तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, कितना प्यार करते हैं। हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता था गुरु जी से मिलने से पहले। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। थैंक यू अंकल फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।